यूके की होम सेक्रेटरी की लग गई वोट। I paid the fine and I took the points. Did the Home Secretary ask civil servants to arrange a private speed awareness course? जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है यूके के मंत्रियों से। दोस्तों, यूके के मंत्री अपनी जिंदगी के अंदर छोटा सा भी रूल तोड़ दें तो उनके इस्तीफे की बात आ जाती है और उनके ऊपर बड़ी इंक्वायरी की बात आ जाती है। लेकिन दोस्तों, भारत के अंदर जो होता है वो चीजें यूके के अंदर आपको कभी भी नहीं देखने को मिलेंगी। दोस्तों, यूके के अंदर भी करप्शन है, भारत के अंदर भी करप्शन है, लेकिन करप्शन का जो स्टैंडर्ड है वो अलग है। लेकिन यूके के मंत्री जिस हिसाब से अब फंस रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि यूके की मंत्री की सिचुएशन काफी गड़बड़ हो गई है। दरअसल यूके की एक मंत्री हैं जिनका नाम है स्वेला ब्रेमैन। ये भारतीय मूल की हैं और यूके के अंदर होम सेक्रेटरी का पदभार संभाल रही हैं और इनके कंधे पर जिम्मेवारी है कि दुनिया भर से जो माइग्रेंट यूके के अंदर आते हैं उन माइग्रेंट की संख्या को रोकना और उन्हें डिपोर्ट करना किसी तीसरे देश के अंदर। अब दोस्तों, ये जब होम सेक्रेटरी नहीं थी तब ये अपने देश के अंदर अटॉर्नी जनरल थी और तब इन्होंने अपने देश के अंदर एक रूल तोड़ा था। अपनी ये जो गाड़ी है स्पीड से चला रही थी तो फिर वो जो चलान वाला अफसर है वो आता है और इसी के साथ इनका चलान कर देता है। लेकिन चलान से बचने के लिए स्वेला ब्रेमैन ने ये किया। बताया जाता है, इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, ओपोजिशन पार्टी वाले इनसे जवाब मांग रहे हैं कि आखिरकार आप बताइए कि आपने सिविल सर्वेंट ऑफिसर को क्या कहा। दरअसल यूके के अंदर रूल है कि अगर आप अपनी गाड़ी की स्पीड से चला रहे हो, चलान आपका होगा, तो उस सिचुएशन में आपको फाइन भी देना होगा और आपके जो लाइसेंस पे जो पॉइंट है वो भी ऊपर नीचे होंगे। और इसी के साथ अगर आप चलान नहीं कटवाना चाहते हो तो हाल बहुत बुरा हो जाता है, करना होगा किसी बात ऊपर नीचे हो जाए। और ये जो कोर्स है, आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा। सोशली होता है और इस कोर्स के चलते आपको एक अवेयरनेस होगी, स्पीड अवेयरनेस कोर्स, यानी कि अब आपकी जो गाड़ी है कितनी स्पीड पर चलनी चाहिए इसको लेकर जो अफसर है आपको एक कोर्स देता है। लेकिन यूके की जो सेक्रेटरी है उन्होंने यहाँ पर रूल तोड़ा है, ऐसा बताया जा रहा है, और उन्होंने इस प्राइवेट स्पीड अवेयरनेस कोर्स को लेने के लिए ही अफसर को कहा कि मुझे आप ये एक कोर्स दे दो। हालांकि अटॉर्नी जनरल ने ये बातें सिविल सर्वेंट को बोली हैं। हालांकि होता तो ये है कि सिविल सर्वेंट ऑफिसर डिसाइड करता है कि इसका मैं चलान करूँगा या फिर इसको मैं एक स्पीड अवेयरनेस का कोर्स दूंगा, लेकिन अटॉर्नी जनरल के पद पर बैठते हुए स्वेला ब्रेमैन मैंने उनके ऊपर दबाव डाला कि आप मुझे चलान मत करो, आप मुझे ये कोर्स दो। लेकिन ये सारी बातें चली, ओपोजिशन पार्टी वाले बवाल कर रहे हैं कि इन्होंने मिनिस्ट्री का जो रूल रेगुलेशन है, कोड है, उसको तोड़ा है और इसके खिलाफ इनके ऊपर एक ऑपरेशन होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए कि स्वेला ब्रेमैन गलत है या सिविल सर्वेंट का ऑफिसर गलत है। दरअसल सिविल सर्वेंट इन मिनिस्टरों की गुलामी नहीं कर सकता है, वो एक जनता का नौकर है और इसीलिए जनता के हिसाब से जो रूल रेगुलेशन किए गए हैं उसके हिसाब से ही मिनिस्टर्स को भी वो चार्ज करने की एक ओहदा रखता है। लेकिन स्वेला ब्रेमैन अटॉर्नी जनरल होने के नाते उसे जो छूट दी गई उस कारण से ओपोजिशन पार्टी संसद में उनसे जवाब मांग रही है और उनका इस्तीफा मांग रही है। लेकिन दोस्तों, इस मामले के बीच स्वेला ब्रेमैन का भी रिस्पॉन्स आ गया। उन्होंने ये कुछ भी नहीं कहा कि उन्होंने सिविल सर्वेंट को कुछ कहा है या नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि मैंने फाइन भी दिया है, मैंने पॉइंट भी लिए हैं और इसी के साथ जो एक आप बातें बोल रहे हो सैंक्शन, एक मैंने रूल तोड़ा है, वो कोई भी रूल मैंने नहीं तोड़ा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई इंक्वायरी बिठानी चाहिए या नहीं बिठानी चाहिए, मैं उसमें साथ दूंगी या नहीं दूंगी। लेकिन ओपोजिशन पार्टी वाले इसको गहन मुद्दा बना रहे हैं और मुद्दा ऋषि सुनक के पास भी चला गया। G7 समिट में उनसे सवाल पूछ लिया गया लेकिन ऋषि सुनक ने कहा कि मैं तो अभी G7 के समिट में बिजी हूं, जब यूके आऊंगा फिर बताऊंगा। अब दोस्तों, संसद के अंदर भी बहस चल रही है, देखना होगा स्वेला ब्रेमैन का इस्तीफा होता है या नहीं होता है। ब्रेमैन तब भी एक चर्चा के अंदर आई थी जब इन्होंने थोड़ी सी दूरी के लिए सफर तय करना था और वहां के लिए इन्होंने मिलिट्री का हेलीकॉप्टर मंगा लिया और इसी के साथ ये तब भी चर्चाओं में आई थी जब इन्होंने कहा था कि माइग्रेंट्सों को मैं यूके से उठाकर रवांडा जैसे देश के अंदर फेंकूंगी। और फिर तीसरा, इन्होंने तब भी एक चर्चा के अंदर आए थे जब इन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट डॉक्यूमेंट अपने एक दोस्त के साथ शेयर कर दिया। यही कारण है कि स्वेला ब्रेमैन लगातार चर्चाओं में है और इनके इस्तीफे की बातें जोर पकड़ रही हैं।